ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है मेरे शिव वॉक्स 1M यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसलिए इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनिएगा। तो चले बिना किसी देरी किए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। आप इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि यह आपके लिए है। सब कुछ होता है क्योंकि महादेव इसकी अनुमति देते हैं। आपको या तो निर्देशित किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, या किसी कारण से परिस्थितियों द्वारा सिद्ध किया जाएगा। न तो आपको और न ही आपके परिवार को इस बात से डरने की जरूरत है कि क्या हो सकता है। तुम आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। आपकी देखभाल एक प्यार करने वाले पिता द्वारा की जाएगी, जो आज कल और हर एक दिन आपकी परवाह करता है। जीवन में हमेशा एक चुनौती होती है, लेकिन महादेव भविष्य जानता है। और जीवन अप्रत्याशित है, लेकिन महादेव इसका मार्गदर्शन करते हैं। चिंता न करें, समझदारी से निर्णय लें और परिणाम के लिए उस पर भरोसा करें। आप महादेव के साथ कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ उसे समर्पित कर सकते हैं, सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दें। डरो या घबराओ मत, जरूरत के समय हम हमेशा महादेव पर भरोसा कर सकते हैं। यदि आगे जो है वह आपको डराता है और जो पीछे है वह आपको चोट पहुंचाता है, तो मार्गदर्शन के लिए प्रभु की ओर देखें। उसका प्रोत्साहन आपको हर दिन उठने, उससे प्यार करने और अपना सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के लिए प्रेरित करने में कभी विफल नहीं होता है। बाकी उसके द्वारा संभाला जाएगा। जो कठिन परिस्थितियों में भी महादेव पर विश्वास करते हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। यदि हम कठिन परिस्थितियों में महादेव पर अपना विश्वास या विश्वास रखते हैं, तो चमत्कार होंगे। आदमी पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि वह तुम्हें केवल निराश करेगा। महादेव को अपनी सारी परेशानी बताओ। हम महादेव में सुरक्षा पाते हैं। अपने पालनहार की शक्ति को कभी कम मत समझो, क्योंकि तुम उसके साथ हर दिन चलते हो। आमीन। महादेव आपका भला करे। विश्वास हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बहुतायत को प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे अनदेखा न करें। सबका ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने के लिए तो कभी अपनों के लिए। इस वीडियो को बोलते समय कुछ त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।